आई थिंक आवाज़ की कोऑर्डिनेशन लास्ट स्टूडियो में ऊपर नीचे थी। तो कल का दिन मेरा ऐसा नहीं गया था, तो नेक्स्ट मंथ दिवाली आई, इसलिए हमने कल अपना जिम मिस किया और घर की साफ़ सफाई में लग गया। घर की साफ़ सफाई में लगे कौन कौन? मैं, मम्मी, पापा, हम तीनों लगे। और सुबह के 8:30 बजे से जो हम लगे हैं ना भैया, वो शाम को 5 बजे तक काम ख़त्म हुआ है। बीच में पापा चले गए अपने ऑफिस, मतलब कि उनका कुछ काम था इसलिए वो चले गए, और मैं और मम्मी काम कर रहे थे, घर की साफ़ सफाई कर रहे थे। मम्मी तो वैसे बहुत देर तक काम की, मैं थक गया था तो मैं 4 बजे तक करीब काम किया। उसके बाद फिर हम अपने दोस्तों के साथ थोड़ा देर बाहर गए, टहल रहे थे, कॉलोनी में थे, टहल रहे थे। और काम के बाद हमें सर्दी पकड़ ली यार, इतना धूल। नाक, ये जो नाक है ना, नाक में ना एटलीस्ट 250 ग्राम तो धूल घुसी होगी, और इसी धूल के कारण हमें सर्दी पकड़ ली। ये जो ढेर देख रहे हो ना, इसके अंदर बुक्स और पेपर हैं। कुछ पेपर यहाँ भी हैं और सीढ़ियों के पास ये रहे। ये सब पेपर को कल गंदी वाला लोकेशन है, और हमारे कमरे की ये है हालत। पूरा घर तहस महस हो गया, देख रहे हो मैसअप, देख रहे हो मैसअप। ये हमारे मम्मी पापा का रूम है, और कल इन दोनों शूज़ को मैं फेंकने वाला हूँ। और ये सब करते करते शाम के 4 बजे, और हमारी हालत खस्ता हो गई। तो भाई अब हमें भूख तो बहुत लग रही थी, तो हमने क्या किया कि गए डोसा खाने के। अब हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी ना भैया, आप क्या बताएं। हम डोसा वाले के पास गए, देखे उसने अपना ठेला बंद कर दिया था एक पोपट। अब हम सोचे क्या करें, क्या खाएं। तो फिर हमें दिमाग में आके समोसा खाया गया। हम गए पास वाली डेयरी, वहाँ डेयरी में हमने समोसा खाया, और भाई क्या समोसा बनाया था, बीरो देखो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।